डीएवी हमीरपुर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वर्चुअल माध्यम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न समय सारणी के अनुसार सभी कक्षाओं के लिए प्रातःकाल योग कक्षाओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। गौरतलब है कि विद्यालय में वर्चुअल माध्यम से गत माह से योग कक्षाओं का आयोजन प्रातःकाल किया जाता है। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वास शर्मा ने कहा कि योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम धीरे धीरे भुलाते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के इस मुश्किल समय में योग ने न सिर्फ हमें शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाया है, अतः इस समय योग की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि बच्चों में योग को प्रोत्साहित करने के लिए योग कक्षाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ योग दिवस पर सभी कक्षाओं के लिए वर्चुअल माध्यम से योग कक्षाओं का आयोजन किया गया। विश्वास शर्मा ने सभी छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों से आग्रह किया कि वे नियमित रूप से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने जीवन को निरोग बनाएं। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से योग दिवस के सफल आयोजन का श्रेय विद्यालय के शारीरिक शिक्षा शिक्षकों तथा छात्रों को दिया। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन के लिए सभी अध्यापक बधाई के पात्र हैं। अर्धमत्स्येंद्रीय आसन। अर्धमत्स्येंद्रीय आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। मरमेड मुद्रा। मरमेड मुद्रा से शाटिका के दर्द से राहत मिलती है। गोमुख आसन। गोमुख आसन अस्थमा और बाहों की मजबूती के लिए लाभदायक है। भुजंग आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है। नटराज आसन। नटराज आसन से दिमाग को शांति मिलती है और थकान दूर होती है। उष्ट्रासन। उष्ट्रासन पाचन और प्रजनन प्रणाली के लिए फायदेमंद है।